अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज इस प्रोग्राम में हम लोग मुल्क के मशहूर एजुकेटर तौर पे इंजीनियरिंग एजुकेशनिस्ट S.M कुरैशी की वफ़ात के सिलसिले में आपके साथ शेयर करेंगे। कुरैशी साहब कल कराची के इस एक हॉस्पिटल में वफ़ात फरमा गए। कुरैशी साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के हवाले से। आज हम कोशिश करेंगे कि कुरैशी साहब को करीब से जानने वाले लोगों से हम बात करें और ये देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए। कुरैशी साहब के तारुफ़ के लिए मैं आपके साथ शेयर करूं, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो इस वक्त जो सिंध की पहली नंबर यूनिवर्सिटी जो है वो समझी जाती है रैंकिंग के एतबार से। कुरैशी साहब उसके फाउंडर वाइस चांसलर थे। वो दादू के एक शहर बुबक में पैदा हुए और कुरैशी साहब ने NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में BE किया और इस वक्त आखिरी वक्त तक वो प्रोफेसर एमेरिटस रहे मेहरान यूनिवर्सिटी के, और बल्कि मेहरान यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है, उसके ऑनररी डायरेक्टर भी रहे। नदीन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनवर कुरैशी साहब टेलीफोन लाइन पर है। कुरैशी साहब डॉक्टर S.M कुरैशी साहब के फर्जंद हैं, UK में होते हैं, मेडिसिन की फील्ड में काम करते हैं। कुरैशी साहब के सिलसिले में अनवर कुरैशी साहब से बात करने की ज़रूरत है। कुरैशी साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं इधर ये जानना चाहूँगा कि कुरैशी साहब, वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बहुत ही एक्टिव और बहुत सारे लोग जो है वो उनको बहुत ही इस एज तक भी उन्होंने बड़ा एक्टिव देखा, उनका एक बड़ा रोल रहा है। क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे ऐसे कि पता नहीं चला, क्योंकि खबर जो है वो बहुत अचानक थी? जी, असल में कुछ इस तरह का तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रिसेंटली वो कुछ थोड़ा सा जरा कमजोर हो गए थे और जाहिर उम्र के उस हिस्से में भी थे कि अब जरा थोड़ी सी चीजों में देर लग रही थी, थोड़े कमजोर थे। तो फिर ये जो रीसेंट एपिसोड हुआ है वो अभी तो बल्कि संडे को हैदराबाद गए, मंडे को मेरे ख्याल एक और मीटिंग थी, फिर HEC की मीटिंग अटेंड की, उस वक्त भी ठीक थे। फिर रात को थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब हुई, सुबह से काफी खराब हो गई थी, तो वो फिर आसान एडमिट हुए वेंसडे को, और वो इन्फेक्शन था काफी सिवियर जो ब्लड में भी था, जिसकी वजह से काफी तबीयत खराब हो गई थी उनकी, और शुरू में एंटीबायोटिक्स उन्होंने स्टैंडर्ड जो है वो दी थी। उसके बाद कल्चर में जो आया बग, वो जो जरासीम आया, उसके लिए फिर स्पेसिफिक अद्वियात इस्तेमाल की उन्होंने, जिसकी वजह से फिर वो थोड़े बेहतर हो रहे थे। अच्छा। लेकिन फिर इंतकाल से कोई 18-20 घंटे पहले उनको एक एपिसोड हुआ जिसमें वो उनकी सांस और दिल जो है थोड़ी देर से बंद हुआ, जिसके बाद फिर वो तो वापस आ गया, लेकिन फिर कॉन्शियस नहीं थे उसके बाद। कभी कभी इन्फेक्शन में ऐसे होता है कि कभी कोई क्लॉट चला जाता है ऊपर, तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से हो सकता है। तो उसके बाद से बस फिर वो डिटेरेट कर गए। अच्छा, ये जो आप सुन रहे हैं, जाहिर है कि ये डिसाइड हुआ कि उनकी तदफीन जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी में होगी, उनकी जो विल है वो रिटन थी, आपको पता था या किस तरह या वर्बली थी? ऐसा है कि मेहरान के साथ उनका ताल्लुक ऐसे है जैसे बच्चों के साथ होता है। मेहरान यूनिवर्सिटी उनका ब्रेन चाइल्ड, उन्हीं की पैदावार है, वहाँ पे अब 3 जनरेशन है जो कि उनके हाथों से ग्रो हुई है। अभी भी उनका ताल्लुक वहाँ पे एज मेंटोर सारे लोगों के लिए है और पायनियर है उस इंस्टीट्यूशन के। अभी एक और इंस्टीट्यूट वहीं पे एस्टेब्लिश किया उन्होंने मस्टेड के नाम से। अच्छा, तो वहाँ से असल में मुझे कोई इसका इल्म इतना नहीं था, लेकिन अगर मैं अपनी तबीयत को अगर मिला हूँ उनके साथ, तो अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी शायद यही चाहता कि वहाँ पे जो है मुझे आखिरी आराम गाह मिले। okay.
मुझे कोई इस बात का इल्म इतना नहीं था जितना कल फिर जब सबको पता चला इंतकाल का, तो मुझे फिर फोन आना शुरू हुए काफी मेहरान से. ओरिजिनल हमारा जो असली प्लान था वो तो ये था कि डिलीवरी में, क्योंकि मेरे भाई जो है उनकी तदफीन वहीं हुई थी कराची में, तो मैंने सोचा था कि वहाँ करेंगे. लेकिन जो मैंने इनकी अटैचमेंट और जो ताल्लुक मेहरान यूनिवर्सिटी से देखा, तो फिर फैमिली में हमने काफी डिस्कस किया. फिर तीन चार लोगों ने ये बताया कि उनकी जो विल थी कि वहाँ पे मेहरान में एक कब्रिस्तान होना चाहिए फिक्स यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज के लिए. और इनिशिएटिव के हिसाब से उन्होंने एक दफा ये जिक्र किया कि भाई ये जमीन होनी चाहिए. और अगर मैं भी पहला बंदा हुआ उसमें तकलीम मेरी भी हुई, तो वो भी शायद शुरुआत हो इस बात की कि वहाँ पे कब्रिस्तान जो है वो हो, ताकि एम्प्लॉयज के लिए बात कर सकते. तो हमेशा दूसरों का ज्यादा सोचते थे, इसमें भी यही उनकी विश थी. अच्छा, तो वो जो समझ आया कि वो उनके हिसाब से होगी बिल्कुल. अच्छा. क्योंकि उनकी तबीयत हमेशा ऐसी रही कि इनिशिएटिव ऐसा नहीं जिससे लोगों का फायदा. अच्छा, फैमिली जो है कुरैशी साहब की, यानी आप लोग जो है वो, यू पीपल आर सेटिस्फाइड के कुरैशी साहब के विल के मुताबिक उनकी तदफीन हो वहाँ पे, वो ऑलरेडी कब्रिस्तान है या कुरैशी साहब की पहली तदफीन होगी? कुरैशी साहब की पहली तदफीन होगी. तदफीन वहाँ, फिर वो ग्रेवयार्ड. अब केली साहब से आज बात हुई थी जी, जिन्होंने मेरे ख्याल आज इमरजेंसी मीटिंग करके डिसाइड किया कि वहाँ पे ग्रेवयार्ड होगा मेहरान यूनिवर्सिटी का. पहली तदफीन वालिद साहब की होगी. कोई साहब, थैंक यू सो मच. हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, इंजीनियरिंग रिव्यू के व्यूअर्स की तरफ से, हम लोग आपके दुख में बराबर के शरीक हों. अल्लाह आपको सब्र दे. थैंक यू सो मच. इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम उकैली साहब मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों के वाइस चांसलर हैं. और उकैली साहब, सिंध में जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें माने जाते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से. जो लेगेसी कुरैशी साहब ने छोड़ी थी, उकैली साहब उनको कंटिन्यू लेके चले. और इस वक्त जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी जो है सिंध की यूनिवर्सिटियों में फर्स्ट नंबर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, और उसमें उकैली साहब की बहुत बड़ी मेहनत शामिल है. उकैली साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें. कुरैशी साहब, कुरैशी साहब की वफात जो है वो बड़ी दुखी खबर है, नो डाउट. आप काइंडली हमारे साथ उनकी कुछ मेमोरीज जो है वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, आपके साथ एक बड़ा गहरा और बहुत पुराना ताल्लुक रहा है. डॉक्टर एस.एम. कुरैशी एक लीजेंड है मेरे साथ में, एजुकेशन के हवाले से और साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के हवाले से बड़ा अच्छा याद रहेंगी. और ये एक ऐसा खिला हो गया कि जिसका पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा. वो मेहरान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के फाउंडर वाइस चांसलर थे और इसके जो हकीकी माना में आर्किटेक्ट थे. इस यूनिवर्सिटी को इस मुकाम तक पहुँचाने में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था वो उन्होंने ही लगाया था और उन्हीं की काविशों से. लेकिन उसके बाद जब वो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको जो है वो पिक किया साइंस टेक्नोलॉजी की सेक्रेटरीशिप के लिए, तो 1988 में वो चले गए थे. ये पहले प्रोवाइस चांसलर जी थे कैंपस के, जब ये भुट्टो साहब ने ये यूनिवर्सिटी बनाई 77 में, तो पहले फाउंडर वाइस चांसलर भी थे. उनको 11 साल का अर्सा उन्होंने एज ए वाइस चांसलर गुजारा. उसके बाद 88 से वो 96 तक फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट सेक्रेटरीज में रहे, डिफरेंट डिपार्टमेंट में रहे एज ए सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी में अपने जमाने के अच्छे टेक्नोक्रेट समझे जाते थे. और मुझे याद है कि उस जमाने में भी उनका जो उनकी जो मोहब्बत थी मेहरान के साथ वो बड़ी मिसाली थी. इस वक्त जो पाकिस्तान का अकेला एक लिहाज से देखा जाए तो ऑन द ओनली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी में वो उन्हीं का जो है वो एक पाप था कि जैसे साइंस पॉलिसी रिसर्च यूनिवर्सिटी यूके में है सफेक यूनिवर्सिटी में, या कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में साइंस पॉलिसी यूनिट है. क्योंकि उन्होंने महसूस किया सेक्रेटरी के दौर में कि साइंस को पॉपुलराइज करने में इस सेंटर का बड़ा रोल है. उस हवाले से उन्होंने इस एजुकेशन को फिर यहाँ अपने मैदान में ले आए. अच्छा. और उसमें उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया 96 से लेके टिल लास्ट संडे
हमारी जी यूनियन की एलमनाई की, तो उसमें वो आए थे। अच्छा। और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ही वाज वेरी फीबल एंड फ्रेजाइल। ओके। तो मैंने उनको वो पहली मरतबा उन्होंने एक इजहार किया कि मुझे चाय, हालांकि वो बड़े अपने कदावर शख्सियत थे, बड़ा उसूल परस्त थे। अच्छा। तो पहली बार उन्होंने कहा कि आधी चटन में मुझे चाय दो। अच्छा। क्योंकि उनको थोड़ी भूख लग रही थी, तो मुझे इस वक्त बड़ा हुआ कि नाउ रिसीविंग ही वाज वेरी 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 फ्रेजाइल ऑन दैट डे। अनफॉर्चुनेटली within 3-4 days he was admitted in hospital and yesterday he breathed his last breath. अच्छा, ओके साहब, मुझे कोई साहब बता रहे थे कि कुरैशी साहब ने शेयर नहीं किया जो मेडिकल प्रॉब्लम्स उनको हो रहे थे, शायद ट्यूमर का इशू भी था, तो ये बात सही है कि उन्होंने ये बात अपने हद तक रखी थी शायद? हाँ, वो बड़े एक्चुअली अपने रात में बड़े मुकम्मल तौर पे अपने आप को जो है वो एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरे साथ इनकी बड़ी मोहब्बत रही थी और मुझे अंदाजा हो गया था, तो मैंने इनसे पूछा था, तो मुझे यूँ गाल पे थपकी देके कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा। लेकिन वो जो गोलियां खा रहे थे, मैंने बींग एक आदमी का अंदाजा हो जाता है, तो वो काफी इन खा रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा था कि सर ये तो लाइफ सेविंग ड्रिंक है, आपको एकदम से क्या हो गया? अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो वो उन्होंने जिक्र नहीं किया, किसी को भी नहीं बताया, आखिर तक जो है वो अपनी, लेकिन कमिटमेंट ये थी कि बीमारी में भी वो लास्ट संडे को भी जब इनको इन्वाइट किया गया कि भैया पुराने शागिर्द आ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो ही टू फिल टाइम आउट, और एक हफ्ता पहले भी वो जो है ना यूनिवर्सिटी में आए थे। अच्छा। ओके साहब, ये बताइएगा कि मुझे जो मैसेजेस मिले, जो बात हुई, डॉक्टर साहब की ये शायद विल थी कि उनको उनकी तदफीन जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी में हो, ये इतला हमारे पास जो है वो सही है? हाँ, मेहरान यूनिवर्सिटी में उन्होंने जिक्र किया था, मुझे भी कहा था कि अगर तुम यहाँ ग्रेवयार्ड बनाओ तो फिर मैं भी इसमें आऊँगा। तो हमने यहाँ जामशोरे में ग्रेव यार्ड की किल्लत थी, तो हमने एक छोटी सी एरिया मुख्तस की थी अपने मास्टर प्लान में। अच्छा। अभी इसको जरूरत है डेवलप होने की, लेकिन क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी और सारे हमारे अलमनाय की भी ख्वाहिश थी कि कुरैशी साहब यही हो, तो आज सुबह हमने वो लैंड को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जो है वो उनकी जो है वो तैयारी कर दी है, कल इंशाल्लाह वो पहुँचेंगे, क्योंकि इनकी काफी फैमिली के लोग बाहर रहे हैं। Okay. तो उनको पहुंचने में टाइम लगेगा, तो कल वो 10 बजे अपने घर से निकलेंगे वहाँ कराची से। अच्छा। और यहाँ दोपहर के टाइम पे भी आफत जनाज नमाजा और इंशाल्लाह उनकी तस्वीर यही हमारे ग्रेवयार्ड जो नया बन रहा है। Okay. उसी में ही होगी, और वो पहले आदमी होंगे। इनकी फैमिली को थोड़ी सी कुछ को एक्साइटमेंट थी, कुछ को रिजर्वेशन थी। अच्छा। क्योंकि कुछ का ख्याल था कि ये अकेले होंगे यहाँ पे, मुनासिब लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा। तो हमने अपनी कंसेंट दे दी थी, फिर मुझे उनके बेटे डॉक्टर अनवर जो कि यूके से आए थे, उन्होंने शाम को मुझे दोपहर को कंसेंट दी। अच्छा। कि हम बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक उनको यहीं ले आ रहे हैं जामशेरे में। अच्छा। तो मेरे लिए तो वो अपने वालदेन जैसे थे, तो हमने तो अपनी तरफ से तैयारियां की हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनको जो उनके बेटे वगैरह, बेटा एक ही है उनका। अच्छा। उनके एक बेटे को बड़ा लिवर का मसला हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब हुए थे। ओके। तो वो डॉक्टर साहब पहुंच गए हैं यूके से। अच्छा। 2 दिन पहले ही उनको अंदाजा हो गया था। ओके। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपने हमारे साथ बात की। नादिन, डॉक्टर मोहम्मद असलम मुकर्री साहब, वाइस चांसलर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम लोग दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैज़ुल्ला आबाजी साहब से बात करेंगे। आबाजी साहब जो है वो कुरैशी साहब से बहुत करीब रहे हैं, वो उनको अपना मेंटोर भी मानते हैं, और उनकी खिदमात पे हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। नादिन, इस वक्त हमारे साथ फैज़ुल्ला आबासी साहब टेलीफोन लाइन पे हैं। आबासी साहब दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और साथ साथ एसएम आबासी साहब के जो करीब लोग रहे हैं, आबासी साहब का शुमार उन लोगों में होता है। आबासी साहब, थैंक यू सो मच, आपने बात करने का हमारे साथ टाइम हमें दिया, और
قریشی صاحب کی خبر جو ہے وہ بڑی دکھ کی خبر ہے اور آپ اس کے بہت کلوز رہے ظاہر ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا آپ کے لیے بھی یقیناً قریشی صاحب کے سلسلے میں ہمارے ساتھ اپنی میموری ضرور شیئر کیجیے سر منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے قریشی صاحب ایک بہت بڑی ہستی تھی انہوں نے مجھے میرے تو استاد تھے مجھے پڑھایا تھا انہوں نے میں شاگرد ہوں ان کا اس کے علاوہ وہ میرے مینٹور بھی تھے میرے وائس چانسلر بھی تھے جب میں مہران یونیورسٹی میں ٹیچر تھا میں پروفیسر تھا اور ایک بہت قریبی قربت تھی ہم دونوں کی قریشی صاحب نے مجھے بہت سکھایا اس وقت بھی جب مجھے کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو میں کلیئر نہیں ہوتا تھا تبھی میں قریشی صاحب کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ مجھے بہت اچھا فیل مشورے بھی دیتے تھے تو ان کا جانا ایک بہت ہی بڑا ایک ویکیوم کریٹ کرے گا لیکن اللہ ان کو مغفرت دے اللہ ان کو جنت نصیب کرے ہم یہی دعا کریں گے لیکن یہ میرے لیے ایک پرسنل لاس بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کو بھی بہت بڑا لاس ہے قریشی صاحب یہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ قریشی صاحب خاص طور پہ انجینئرنگ ایجوکیشن اس میں بہت بڑا نام ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے کس طرح ایک کالج انجینئرنگ کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ فاؤنڈنگ وائس چانسلر تھے یونیورسٹی کے کیا ایسی خاص چیزیں آپ کو نظر آئیں اس سارے دور میں جن کی وجہ سے قریشی صاحب جو ہے وہ یونیورسٹی کو واقعی ریئل یونیورسٹی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آج اس وقت وہ سندھ کی نمبر ون یونیورسٹی ہے قریشی صاحب جب وائس چانسلر بنے تھے بہت کم عمر میں وائس چانسلر بنے تھے 1977 میں جی ان کو پرو وائس چانسلر کی وہ حیثیت ملی جب ہماری کالج میں سے یونیورسٹی بنی تھی مہران اور بڑے کم عمر میں اور بڑے ڈائنامک آدمی تھے اس عمر میں بھی اور وہ بہت سارے قصے سناتے تھے کہ کس طریقے سے وہ سائنس فاؤنڈیشن میں تھے اس سے پہلے اور سائنس پالیسی پہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑی کانٹریبیوشن ہے قریشی صاحب کی اس قوم کے لیے ایون ہمارا جو اٹامک پروگرام ہے وہ اس میں بھی قریشی صاحب بتا دیتے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کس طریقے سے ان کی گفتگو ہوتی تھی اس زمانے میں جب بھی ابھی کوئی کچھ تھا بھی نہیں اور چائنیز ڈیلیگیشن آتے تھے اور ان سے جب ملاقاتیں ہوتی تھی جو سائنس فاؤنڈیشن سے قریشی صاحب ریپرزینٹ کرتے تھے اور بھی ہوتے تھے لیکن قریشی صاحب بھی ہوتے تھے تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی سائنس کے میدان میں اچھا جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے تو میں نے کہا بڑا میتھڈ کے ساتھ چلے اور پہلے ینگ وائس چانسلر اس یونیورسٹی کے اور انہوں نے سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی وہ ہم جیسے جو نئے نئے ٹیچرس تھے جنہوں نے ابھی جوائن کیا تھا کالج اور یونیورسٹی کو ان کو انہوں نے اسکالرشپس دلوائی اور ہمیں باہر بھیجا پڑھنے کے لیے تو انہوں نے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہمارے زمانے میں کوئی 15-20 کے قریب فیکلٹی ممبرس کو انہوں نے باہر بھیجا اس زمانے میں اور پھر لگاتار بھیجتے رہے اور 84 میں ہم جب واپس آئے تو بہت ہی آپ نے اچانک دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی جو ہے نا پاپولیشن بڑھتی گئی انہوں نے ماسٹر پلان بنایا اس پوری یونیورسٹی کا ہمیں اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنا سال 5 کے قریب انہوں نے ماسٹر پلان کو لگایا اور اب آپ اس یونیورسٹی کو دیکھیں کہ بڑی پلاننگ کے حساب سے وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جو قریشی صاحب کی ویژن کو دیکھتے ہوئے وہ ورٹیکل اس وقت ہمارے پاس زمین بہت تھی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں ورٹیکل نہیں جانا چاہیے ہمیں ہاریزونٹل جانا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ مہران یونیورسٹی کی ساری ویژن ہاریزونٹل ہے اور بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی بن گئی ہے اب تو یہ ساری ویژن قریشی صاحب کی تھی ایک ایک بلڈنگ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ دیکھتے تھے اپنے اس سے اور بہت بڑی خدمت کی پھر اس سے سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کی یہ یونیورسٹی نواب شاہ میں بننی تھی
और हमें शिफ्ट करना था जामशोर से नवाबशाह, तो उन्होंने नवाबशाह को एक कॉलेज का दर्जा दिया और मेहरान के जो हेडक्वार्टर को जामशोर में रहने दिया। और यही हुआ और आप देखेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी तो जामशोर बनी, लेकिन जो नवाबशाह कॉलेज था वो भी एक यूनिवर्सिटी बन गई। उन्होंने एक में से दो यूनिवर्सिटियाँ दी हमारे को, यानी मेहरान यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जो मेन यूनिवर्सिटी जामशोरों में रखने का जो डिसीजन था वो कुरैशी साहब का था। बिल्कुल उनका था, बिल्कुल, वरना हमारी यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो चुकी थी नवाबशाह। ओके, अच्छा। उन्होंने उन्होंने फिर ये जो है ना उसको उसके विजन के हिसाब से नवाबशाह को भी बनाए, कॉलेज बनाए। ओके, एग्जैक्टली इनिशियली कैंपस था जो बाद में यूनिवर्सिटी बनी, वो बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। तो अब क्या देखिए दो यूनिवर्सिटी हम लोग बनी, मेहरान यूनिवर्सिटी अलग जामशोर में और वहाँ पे कायदे मोहम्मद यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली, तो ये बहुत बड़ी रिविजन थी और बहुत बड़ी, और मैं अभी मैं खुद वाइस चांसलर, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है यूनिवर्सिटियों के लिए पैसे लाना, डेवलपमेंट फंड लाना। खुर्शी साहब इस मामले में बहुत ही कसरतों बहुत ही मजे हुए थे। Okay. उन्होंने बहुत पैसे लाए हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ तक कि कभी कभी इनके वो हो जाता था खर्चा एक्सीड हो जाता था, तब जाके प्लानिंग कमीशन में वहाँ से फिर दूसरे पैसे ले आते थे। Okay. तो उनको एक बहुत तरीका आता था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को के प्रोजेक्ट के लिए पैसे लाए जाए और उसको चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कुरैशी साहब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, कुरैशी साहब जैसे उस्ताद, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उन्होंने पी एच डी किया शेफील्ड से, उससे पहले ए आई टी में से मास्टर्स किया बैंकॉक से, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मैं भी शेफील्ड में ही पढ़ा हूँ। तो मैंने ये मुलाकात उनके सुपरवाइजर से भी हुई है स्वामी साहब। Okay. तो वो बड़ी उनकी तारीफ करते थे, अपने स्टूडेंट की बड़ी तारीफ करते थे कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सही हमारे साथ, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ कुरैशी साहब की मेमोरीज हमारे साथ शेयर करी, और यकीनन आप भी इस खबर पे आपको भी बड़ा अफसोस हुआ होगा, आपको भी दुख हुआ होगा। थैंक यू सो मच हमारे साहब। नाज़रीन, हमारे साहब की गुफ्तगू आपके सामने इस प्रोग्राम में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम।